हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7 12 चैप्टर के हैं। इसमें अपने को दे रखा है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी बी सी के इक्वल है, ये लेंथ इसकी इक्वल है, और एंगल ए डी सी ये पूरा एंगल एंगल बी सी डी के इक्वल है इसके, तो प्रूफ करके दिखाओ ए बी सी डी साइक्लिक है। तो साइक्लिक करने के लिए आपको पता है आमने सामने के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, इसके लिए अपने को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, डी एन परपेंडिकुलर ए बी, यानी ये डी एन है और ये ए बी है, तो ये दो परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे डी एन और सी एम ए बी पर। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है ए डी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी सी डी के। ठीक है, और अगर अपने सिर्फ ये वाला एंगल निकालें ए डी एन, तो इसमें से पूरे ए डी सी में से 90 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए डी एन। ठीक है, ए डी सी पूरे में से 90 माइनस, ये 90 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए डी एन। अब ए डी सी किसके इक्वल है, बी सी डी के, तो ए डी सी की जगह क्या रख दिया, बी सी डी। अब बी सी डी इस पूरे में से ये 90 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बी सी एम, क्या बचेगा, बी सी एम। मतलब इजी से है बिल्कुल, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, दोनों में से 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी एन, ए डी एन ये वाला एंगल बी सी एम के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। अब जो एंगल इक्वल किए हैं वही दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ए एन डी बी एम सी, ए एन डी बी एम सी। तो सबसे पहले एक एंगल तो अपने ए एन डी और बी एम सी दोनों क्या है, ईच 90 है, क्या है, ईच 90। ये वाला ए एन डी और बी एम सी ईच 90 है, और ये अपने इक्वेशन वन में प्रूफ कर चुके हैं भी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ए डी बी सी अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही इसके कॉन्ग्रेंट पार्ट इक्वल होंगे, यानी एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, शुरू वाले एंगल बी के, और एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। तो ये कॉन्ग्रेंट पार्ट आपस में इक्वल हो गए। अब आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360, कितना होना चाहिए, 360। अब ए की जगह रख दो बी और सी की जगह रख दो डी। ठीक है, तो बी और बी 2B और डी 2D, तो 2 कॉमन लेके 360 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस डी 180, यानी आमने सामने के एंगल का सम आ गया 180। इट मीन ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बी और डी 180 है, तो ए और सी भी क्या होंगे, 180। थैंक यू।